नमस्कार। तो सीधे चलते हैं टॉपिक पर, उस सुंदर सी कहानी पर, जो कहानी तो छोटी है पर उसका सीख बहुत बड़ी है। तो एक बार एक आदमी रात को अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा था, कुछ किताबें पढ़ रहा था कि अचानक उसने सोचा कि मैं जिस कमरे में बैठकर पढ़ रहा हूं या बैठा हूं, उस कमरे का जो छत है वो चार स्तंभ के ऊपर खड़ा है, चार पिलार है, नहीं तो खड़ा कैसे हो सकता है। सिर्फ बात मेरे घर तक सीमित नहीं है, पड़ोस के घर के छत के भी चार खंभ हैं, दूसरे घर के भी चार खंभ हैं, गांव के सभी घरों में चार खंभ हैं, जितने भी घर के छत हैं, कुछ आधार तो है ही, नहीं तो बिना आधार के छत कैसे खड़ा रह सकता है। पर इतना बड़ा आकाश, जो सबसे बड़ा छत है, उसका आधार क्या है, उसका खंभ क्या है, व्हाट इज द पिलर ऑफ स्काई। उसने सोचने लगा, वो सोचने लगा पर उत्तर उसे ना मिला। दूसरे दिन जाकर गांव में दोस्तों से पूछा, लोग गांव के लोगों से, संबंधियों से पूछा, पर लोग उसे कहने लगे कि ये पागल हो गया है आदमी, ये मूर्ख है, ये रात में अच्छे से सोया नहीं है। इस तरह से कहते कहते आकाश की खंभ कहां है कोई को पूछता है क्या, ऐसे कहते कहते उसे गांव से निकाल दिया गया, क्योंकि ये हमारे बच्चों को पागल न कर दे ऐसे सवाल पूछ पूछ कर। तो मन में उदासी और जिज्ञासा लेकर वो एक जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसे एक ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। तो जाकर उस ऋषि से पूछा कि ऋषि मेडिटेशन में बैठे थे, उनको उठाया कि पूछा कि आप जिस कमरे के अंदर बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, उस कमरे का चार खंभ है, उसके ऊपर इसका छत है। ऋषि ने कहा, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, इतना बड़ा आकाश हमारे ऊपर खड़ा है, उसका खंभ कहाँ है, उसका स्तंभ कहाँ है, उसका आधार कहाँ है, व्हाट इज द पिलर ऑफ स्काई। ऋषि ने कहा, आज तो रात बहुत हो गई है, तू सो जा, कल सुबह में तुझे इसका उत्तर दूंगा, आज तू खा पी कर आराम से मजे से सो जा। तो सो गया। सुबह उठकर ऋषि मेडिटेशन में बैठे हैं, जाकर ऋषि के सामने बैठ गया, पूछा कि मेरा आंसर कहाँ है। तब ऋषि ने उसे एक ब्याग दी और कहा कि जा, पास में और एक गांव है, उस गांव में तू भीख मांगना, हर एक दरवाजा खटखटाना, हर एक द्वार पर चढ़ना, और जिस घर से जो भी उत्तर मिले, चाहे कोई गाली दे, चाहे जो भी दे, जब तक उत्तर ना मिले तब तक ना लौटना, गांव में घूम घूम कर हर एक घर से भिक्षा लेकर आकर मेरे पास पहुंचना, तब मैं तुझे उत्तर दूंगा। तो वो गया, एक घर में मांगा, दूसरे घर में मांगा, कोई एक रुपया फेंक देता है तो कोई थोड़ी खाने की चीज दे देता है, तो कोई कहता है खाने के समय आ गया तू मूर्ख भिखारी, तो बच्चे उसे मारने लगे, कोई उसे मारने लगा, कोई चाराने अट्ठाने फेंकने लगे, कोई पागल कहने लगे। इस तरह से सब कुछ सह सह कर जाकर गांव के आखिरी घर में पहुंचा। आखिरी घर में बुलाता रहा 10 मिनट तक 15 मिनट तक बुलाता रहा, जब कोई नहीं आया तो लौट कर आ रहा था कि पीछे से एक आवाज आई। तो पीछे लौट कर देखता है, क्या एक महिला अपने हाथ में खाने की चीज लेकर, जो एक आदमी का एक दिन का भरपेट खाना है वो लेकर आई है, उसे खाना दिया, दाल चावल ये सब एक दिन के लिए भोजन के लिए भी चीजें दी, दक्षिणा दी, पैसे कुछ दी, और उसके पैरों में झुककर उसके चरण स्पर्श करके उसे प्रणाम किया और कहा कि मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, मैं उसे नहला रहा था ताकि आने में मुझे थोड़ी देर हो गई, क्योंकि उसे छोड़कर भी नहीं आ सकता था, इसलिए मुझे क्षमा करें। उसने कहा, कोई बात नहीं, क्षमा की क्या बात है, हमने तो क्रोध ही नहीं की, क्षमा क्या करना, कहकर लौट गया और जाकर ऋषि कर ये सब बताया कि कोई मारा, कोई पीटा, गांव में कोई पागल कहने लगा, कोई कहा खाने के समय आ गया तू भिखारी, और आखिरी घर में जाकर मैं पुकारता रहा पर आया कोई नहीं। जब मैं लौट रहा था कि एक महिला पुकारा, और महिला ने पुकारी और मुझे खाने की चीज दी और ये दाल चावल सब चीजें दी है, और आप देखिए ये सब उसने ही दी है, और मुझे क्षमा प्रार्थना की, चरण स्पर्श की कि मेरे गलती हो गई, कि देर हो गई, पर मेरा उत्तर कहाँ है। तब ऋषि ने कहा, उत्तर तो यहीं पर ही है, पकड़ने वाला चाहिए। गांव के आखिरी घर की जो महिला, जो सच्चे निष्ठा हृदय वाली, दया वाली महिला तुझे ये सब दी और क्षमा प्रार्थना की, उसी तरह से अच्छे लोग, अच्छे दिल वाले लोग, दयालु लोग, सच्चे लोग ही, निष्पाप लोग ही इस आकाश के खंभ हैं,
इस आकाश के स्तंभ हैं। दे आर द पिलर ऑफ स्काई। जिस दिन इस तरह के आदमी, इस सच्चे हृदय वाले आदमी घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे और विलुप्त हो जाएंगे, उसी दिन ये आकाश नीचे गिरेगा, ये पृथ्वी प्रलय हो जाएगी। आकाश नीचे गिरेगा का मतलब क्या है? आकाश सचमुच नीचे गिरेगा? आकाश नीचे गिरे का मतलब है ये जो सिस्टम है बिखर जाएगा। और आज हम जिस राह पर चल रहे हैं, जिस पथ पर चल रहे हैं, उसका कारण यही है कि आकाश के खंभ, आकाश के स्तंभ बनने वाले आदमी कम होते जा रहे हैं। हम उस तरह के आदमी पैदा नहीं कर सकते, तैयार नहीं कर पा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। द कॉज इज ओनली वी हैव नो मैन, वी हैव नो पर्संस who can be the pillar of sky। इस संसार में जितने भी अच्छे चीजें, फैन, फोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, वो सब इंसान ने बनाया, पर एक अच्छा इंसान ना बना तो ये अच्छे चीजों को व्यवहार कैसे करेगा? वही एक छुरी एक टेररिस्ट के हाथ में हो तो एक लोग की जान ले सकता है, एक आदमी का जान ले सकता है, एक डॉक्टर के हाथ में हो तो एक जान बचा भी सकता है। इसलिए छुरी का, चाकू का कोई महत्व नहीं है, उस कौन से हाथ में वो है वो महत्व है। तो हमें छुरी बनाने से पहले ये बनाना चाहिए था, ये जानना चाहिए था क्या हमारे पास वो योग्य हाथ है, क्या हमने उस तरह की योग्य हाथ बनाई? नहीं। अच्छे इंसान बनाने की जो संस्कृति है उसे खड़ा करना चाहिए ताकि अच्छा इंसान बन सके, उसके बाद ये सब चीजों को वो कंट्रोल कर सकता है, यूज कर सकता है अच्छे तरीके से, नहीं तो ध्वंस निश्चित है, डिस्ट्रक्शन निश्चित है। तो आप भी कोशिश करें कि आकाश के स्तंभ बनने की, जैसे एक आदमी बने। नमस्कार। अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।